नमस्कार। 2016 में केंद्र सरकार ने 344 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाइयों के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाई थी। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने 2 जून 2023 से 14 FDC दवाइयों पर रोक लगा दी है। सबसे पहले प्रश्न है कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन या FDC दवाइयां क्या होती हैं? तो FDC वे दवाइयां होती हैं जिनमें एक निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक सक्रिय दवाई सामग्री का संयोजन होता है, या जिनमें जिस दवाई में दो या दो से अधिक सॉल्ट मिले होते हैं, उनको फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाइयां कहा जाता है। सरकार ने यह कदम विशेषज्ञ समिति तथा औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर उठाया है। विशेषज्ञ समिति ने अपनी सिफारिश में कहा है कि इन दवाओं से लोगों के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है, इसलिए इन दवाओं पर रोक लगाना जरूरी है। लेकिन इन दवाओं के विकल्प के रूप में सिंगल सॉल्ट वाली दवाइयां मौजूद रहेंगी। कहने का मतलब यह है कि अगर दवाई सिर्फ एक सॉल्ट से बनी है तो वो बाजार में बिक सकती है, लेकिन जिसमें दो या दो से ज्यादा सॉल्ट होंगे वो दवाई बाजार में नहीं बिकेगी। तो जिन 14 दवाइयों पर रोक लगाई गई है, उनमें सामान्य संक्रमण, खांसी तथा बुखार के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली दवाइयां शामिल है। इनमें से कुछ के जो नाम है वो हम ले सकते हैं। जैसे पहला है, बड़ा कॉमन सी दवाई है, पैरासिटामोल। बुखार कम करने के लिए इस दवाई का प्रयोग किया जाता है। निमोसुलाइड, निमोसुलाइड जो दवाई है, तो दर्द निवारक के रूप में प्रयोग की जाती है, लेकिन लीवर पर घातक प्रभाव डालती है। एमोक्सिसिलिन, यह एक एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग छाती की खांसी या बलगम को तोड़ने के लिए किया जाता है, यह भी लीवर पर बुरा प्रभाव डालती है। ब्रोमेक्सिन एक दवाई है, इसका प्रयोग भी खांसी में ही किया जाता है। फोल्कोडीन एक अन्य दवाई है, यह खांसी एक अन्य प्रकार का सॉल्ट है, इस नाम से मिलती है। ये खांसी को दबाने वाली दवाई है और इसका प्रयोग सूखी खांसी के इलाज में किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड, इसका प्रयोग बलगम वाली खांसी के उपचार में किया जाता है, यह बलगम की चिपचिपाहट को कम करती है। डेक्स्ट्रोमेथोरफन एक अन्य सॉल्ट है, डेक्स्ट्रोमेथोरफन यह खांसी में प्रयोग होती है और इसका उपयोग बलगम को ढीला करने के लिए किया जाता है। मेंथॉल, सूखे गले, गले में खराश तथा खांसी में इसका प्रयोग किया जाता है। साल्बुटामोल, इसका प्रयोग एस्थमा में किया जाता है, रेस्प्यूल्स भी इस नाम से आते हैं। इसके अलावा खांसी में भी इसका प्रयोग होता है। क्लोरफेनरामाइन एक अन्य सॉल्ट है, क्लोरफेनरामाइन यह एलर्जी के लक्षणों से राहत दिलाती है और इसको लेने से नींद आती है। कोडीन फास्फेट, यह एनाल्जेसिक दवाइयों की श्रेणी में आती है, अर्थात यह दर्द में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा सूखी खांसी के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह मस्तिष्क के भाग में खांसी पैदा करने वाली गतिविधि को कम करती है। गुआइफेनेसिन एक अन्य सॉल्ट है, गुआइफेनेसिन इसका प्रयोग आम सर्दी, ब्रोंकाइटिस तथा अन्य सांस की बीमारियों के कारण होने वाली खांसी में किया जाता है। तो जिन 14 दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो उनमें जो पहले नंबर पर आती है, अगर किसी दवाई में निमेसुलाइड और पैरासिटामोल है, ये दो सॉल्ट है निमेसुलाइड और पैरासिटामोल, तो उस पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया, उस दवाई की बिक्री नहीं हो सकती है। दूसरे नंबर पर अगर यदि किसी दवाई में एमोक्सिसिलिन और ब्रोमेक्सिन, ये दो सॉल्ट है, उस पर भी प्रतिबंध होगा। जैसे कि हम पहले आपको बता चुके हैं, अगर सिंगल सॉल्ट है तो वो दवाई बिकती रहेगी, लेकिन जिसमें दो या दो से ज्यादा सॉल्ट होंगे वो दवाई अब प्रतिबंधित होगी, उस पर बैन होगा। एमोक्सिसिलिन और ब्रोमेक्सिन, ये दो अगर है नंबर दो पर, तो इस पर भी प्रतिबंध होगा। तीन नंबर पर फोल्कोडीन और प्रोमेथाजिन, ये दो जिनमें सॉल्ट है, फोल्कोडीन और प्रोमेथाजिन, ये भी इस पर भी अब रोक लगा दी गई है। चौथे नंबर पर अमोनियम क्लोराइड, ब्रोमेक्सिन और डेक्स्ट्रोमेथोरफन, ये तीन सॉल्ट है अगर किसी दवाई में, अमोनियम क्लोराइड, ब्रोमेक्सिन और डेक्स्ट्रोमेथोरफन, ये तीन सॉल्ट वाली दवाई भी अब नहीं बिकेगी, चौथे नंबर पर थी ये। पांचवें नंबर पर अगर किसी दवाई में ब्रोमेक्सिन, डेक्स्ट्रोमेथोरफन, अमोनियम क्लोराइड और मेंथोल है, तो ये चार अगर किसी दवाई में सॉल्ट है, तो ऐसी दवाई भी प्रतिबंधित रहेगी, उस पर बैन रहेगा, बिक्री उसकी नहीं हो पाएगी। ब्रोमेक्सिन, डेक्स्ट्रोमेथोरफन, अमोनियम क्लोराइड और मेंथोन। छठे नंबर पर अगर किसी दवाई में क्लोरफेनरामाइन, कोडीन फास्फेट और मेंथोल है, तो ऐसी दवाई पर भी अब प्रतिबंध लगाएगा। क्लोरफेनरामाइन, कोडीन फास्फेट
और मेंथोल, इन अगर तीन दवाइयों का मिश्रण है तो उस पर अब प्रतिबंध होगा। सातवें नंबर पर सालबुटामोल, हाइड्रोक्सी एथिल थियोफिनाइल और ब्रोमैक्सिन, ये तीन अगर किसी दवाई में सॉल्ट है, सालबुटामोल, हाइड्रोक्सी एथिल थियोफिनाइल और ब्रोमैक्सिन, ये तीन सॉल्ट हैं, तो ऐसी दवाई पर भी प्रतिबंध होगा। आठवें नंबर पर डेक्स्ट्रोमेथोर्फन और क्लोरफेनरामाइन मैलेट और गुआइफेनसिन अमोनियम क्लोराइड, ये चार अगर किसी दवाई में चार सॉल्ट हैं, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, क्लोरफेनरामाइन मैलेट, गुआइफेनसिन, अमोनियम क्लोराइड, ऐसी दवाई पर भी प्रतिबंध होगा। नवे नंबर पर जो दवाई है अमोनियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट, क्लोरफेनरामाइन मैलेट और मेंथोल, ये चार दवाइयों का अगर मिश्रण है, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट, क्लोरफेनरामाइन मैलेट और मेंथोल, ये चार दवाइयों का अगर मिश्रण है तो ऐसी दवाई पर भी अब प्रतिबंध होगा। दसवें नंबर पर पैरासिटामोल, ब्रोमैक्सिन, फिनाइल फ्राइन, क्लोरफेनरामाइन मैलेट और गुआइफेनसिन, अगर ये पांच दवाइयों का मिश्रण किसी दवाई में है तो वो बैन कर दी गई है अब से, पैरासिटामोल, ब्रोमैक्सिन, फिनाइल फ्राइन, क्लोरफेनरामाइन मैलेट और गुआइफेनसिन, तो ये पांच दवाइयों का मिश्रण अगर है तो उस पर भी अब रोक होगी। 11 नंबर पर है क्लोरफेनरामाइन मैलेट, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, गुआइफेनसिन, अमोनियम क्लोराइड और मेंथोल, ये अगर पांच दवाइयों का या पांच सॉल्ट का किसी दवाई में मिश्रण है, या चाहे वो खांसी की दवाई है या किसी अन्य प्रयोग में हो रही है, तो वो अब से प्रतिबंधित कर दी गई है। क्लोरफेनरामाइन मैलेट, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, गुआइफेनसिन और अमोनियम क्लोराइड और प्लस मेंथोल, तो इस दवाई पर भी प्रतिबंध होगा। 12 नंबर पर जो दवाई प्रतिबंधित की गई है सालबुटामोल और ब्रोमैक्सिन, अगर किसी दवाई में ये दो सॉल्ट हैं सालबुटामोल और ब्रोमैक्सिन, तो उस पर भी प्रतिबंध कर दिया गया है। 13 नंबर पर जो दवाई है फिनाइटोइन और फेनोबॉर्बिटोन सोडियम, अगर किसी दवाई में ये दो सॉल्ट है फिनाइटोइन, फेनोबॉर्बिटोन सोडियम, तो उसको भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। 14वें नंबर पर जो दवाई है जिसमें ये दो सॉल्ट पाए जाएंगे क्लोरोफेनरामाइन मैलेट और कोडीन सिर्फ, ये अगर दो सॉल्ट की दवाई है उसको भी अब प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो इस प्रकार से 14 दवाइयां जिनमें दो या दो से ज्यादा जो ऊपर आपको बताए गए सॉल्ट पाए जाते हैं उनको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन सिंगल सॉल्ट में ये दवाइयां पहले की तरह से बिकती रहेंगी। और ड्रगिस्ट और केमिस्ट को खास हिदायत दी गई है कि अगर उनके पास ये स्टॉक में दवाइयां उपलब्ध हैं तो इनको वो जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ कर दें। आम जनता को भी ये सलाह दी जाती है कि जो जो आपको ये सॉल्ट बताए गए हैं डबल या ट्रिपल है तो आप ऐसी दवाइयों को ना खरीदें, क्योंकि इससे आपके स्वास्थ्य पर, खासकर आपके लीवर पर और किडनी पर एक भयंकर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। धन्यवाद, नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार।